गुजरात स्थित सूरत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के संयंत्र में देर रात आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। सूरत के कलेक्टर डॉक्टर धवल पटेल ने कहा कि लगभग 3 बजे ONGC हजीरा प्लांट में लगातार 3 धमाके हुए जिससे आग लग गई। मौके पर कई दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ONGC के अधिकारियों द्वारा प्रेशर वाली गैस प्रणाली को डीप्रेशराइजिंग करने की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि सूरत स्थित ONGC के इस प्लांट में पहले भी आग लगने की घटना हो चुकी है। जानकारी के अनुसार साल 2015 में यहां आग लग गई थी जिसकी चपेट में आने से करीब 13 लोग झुलस गए थे। सूरत के DM धवल पटेल का कहना है कि ONGC गैस प्लांट में आग फिलहाल ऑन साइट इमरजेंसी की स्थिति में है। उनका कहना है कि ऑफ साइट इमरजेंसी नहीं होने के कारण आसपास के लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्लांट में जब कोई भी बड़ी समस्या प्लांट के अंदर ही सीमित होती है तो इसे ऑन साइट इमरजेंसी कहते हैं। वहीं जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होकर प्लांट से बाहर तक फैल जाती है इसे ऑफ साइट इमरजेंसी कहा जाता है। गुजरात के सूरत में स्थित ONGC प्लांट में यह हादसा देर रात हुआ। जानकारी मिली है कि प्लांट में आग लगने के साथ एक बड़ा धमाका भी हुआ है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि सूरत शहर के कई इलाकों में महसूस किया गया। धमाके की आवाज सुनकर इन इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। मुंबई से भी एक्सपर्ट टीम हजीरा आने के लिए निकल चुकी है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी, स्टूडियो दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।